मित्रों नमस्कार, राम राम। न्यूज़ डिकोड द राकेश व्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पूर्व किसानों के मूल संगठन से बाहर किए गए टिकैत प्रदर्शन की पूछ घट गई थी। इन दिनों लोगों का ऐसा मानना है कि यह केजरीवाल स्टाइल का ड्रामा भर लगता है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। आइए आनंद लीजिए। राकेश टिकैत को इतना विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि वहां कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज रहे होंगे, कुछ ना कोई राजनीति का एक कारण रहा होगा। किसान जहां भी आते हैं पंचायत में मीटिंग में, वो कभी भी हुड़दंग नहीं मचाते, वे सुनने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं और बात करी जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस सभा में सिर्फ किसान नहीं थे, राजनीतिक लोग भी मौजूद थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ पॉलिटिकल किया गया होगा। राजनीतिक लोग नहीं होते तो इस तरीके से हरकतें नहीं होती। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपकी प्रतिक्रिया हमें देने के लिए। और एक और किसान नेता संबित मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित जी, आज ये तस्वीरें अगर आप देखिए, किस तरह से राकेश टिकैत के चेहरे पर स्याही फेंकी गई और किसान आपस में भिड़े, कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है मैडम, किसान आंदोलन जब से हुआ है हर आदमी किसान की चर्चा कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई चैनल हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो। तो इस सब को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों से चिढ़ रखते हैं और जो चाहते हैं कि किसान की फसल सस्ते में खरीद सकें, तो उन लोगों की चिढ़ की वजह से ये लोग हो रहा है। और इससे तो ये तो अगर हम लोग मैदान में हैं और जनसेवा कर रहे हैं, ये तो साई हैं, किसानों के ऊपर तो लाठियां गोलियां चली हैं, इससे हम घबराने वाले थोड़ा ही हैं। और ये तो जो है एक ये संदेश है कि किसान की आवाज आज मजबूत हो रही है, लोग उनको समझ रहे हैं। और साई फेंकना तो वो उन्होंने अपने हिसाब से जो किया है किया है, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि किसान की आवाज आज मजबूत हो रही है। अच्छा मलिक साहब, कौन थे ये सभा में शरारती तत्व, आपको कौन लगते हैं? क्योंकि किसान तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि अपने किसान नेता पर स्याही फेंक दे। कौन? मैंने बताया, ये वो लोग हैं जो हमारी जमीनों को सस्ते रेट में खरीदना चाहते थे, जो किसानों के फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना चाहते थे, जो बड़े बड़े गोदाम बनाना चाहते थे, ये उनके लोग हैं। और ये लोग अपनी मानसिकता से काम नहीं करते, ये एक विचारधारा होती है, विचारधारा में लोगों को बहकाया जाता है, भड़काया जाता है, तब ये करते हैं। और आप देखेंगे जहां भी ऐसी कोई घटना होती है वहां पर युवा लोग होते हैं, उनकी समझ उस वक्त कम होती है, उनको कुछ लोग होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं। कभी भी समझदार आदमी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जहां ये घटना घटी है कर्नाटक में बंगलुरु की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं सवित साहब, यहां आपको कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर ये सभा क्यों आयोजित की गई थी? इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग तो सिर्फ किसान ही रहे होंगे, तो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती जमीन सस्ते फसल वाले लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या वो भी इसका हिस्सा थे? आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के ऊपर कितनी बार साई फेंकी गई? तो ये तो एक ये होता है कि जब किसी की व्यवस्था खराब करनी हो, किसी को चीड़ होती है, किसी को आप डाउन करना चाहते हैं, उसकी नीतियों से आपको पक्ष में नहीं होता, तो कहीं से भी लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ये तो लोग अपना गए हैं, हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं, उनको कहते हैं अगर कोई दिक्कत है वो बैठ के हम लोगों से बात करें, और हम उनको भी समझाएंगे कि भैया हमारा मुद्दा क्या है, हमको फसल का सही दाम और समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं तो आप लोगों की जमीन ये उद्योगपति कब्जा करना चाहते थे, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों की इंटेंशन आपको क्या लगती है, क्यों आप लोगों से बैठकर बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, वो लोग बातचीत नहीं करना चाहते, वो तो किसी और के हैं। मैंने पहले ही बताया कि वो लोग अपनी मानसिकता से नहीं कर रहे हैं, वो लोग भाड़े के लोग होते हैं, जो लोग काम कराने होते हैं वो एसी में बैठे रहते हैं अंदर। ठीक है सवित मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।